ओके, होपफुली अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, पेपर का दिखाई दे रहा है स्क्रीन। ओके, तो यही पेपर कल आप लोगों को मिला था, यूनिट नंबर 13 का। आप लोगों ने टेस्ट दिया आज। उस पेपर के सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किसके लिए क्या सही आंसर है और क्या उसके पीछे का लॉजिक एंड अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है। होपफुली कि ये वाला जो आज का सेशन होगा उससे आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है उनमें रिवीजन करने का और सही तरीके से अप्रोच को लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया जनरेट होगा और काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए थे वो कल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। 20.25% के हिसाब से निगेटिव मार्किंग थी। तो ये पेपर भी आप लोगों का अभी रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मार्क्स तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि अभी ये पहला टेस्ट है तो बहुत लोगों की समझ अभी बन नहीं पाई होगी, तो उसकी वजह से देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपसे बोल रहा है द डीएनए मिक्सर कंटेनिंग, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मार्क्स आगे लिखे हुए थे। द डीएनए कंटेनिंग अनलेबल्ड एंड नाइट्रोजन 19 लेबल्ड डीएनए फ्रॉम द फेज T4 वॉज डीनेचर्ड एंड अलाउड टू रिनल, राइट? हाउ मेनी बैंड्स आर हाउ मेनी बैंड्स वन वुड ऑब्जर्व अपॉन सीजीएल क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द एबव मिक्सर। तो ये बेसिकली आपका पूरा मॉलिकुलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को प्रूफ किया गया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, राइट? तो डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रूफ करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसी एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को ये सवाल पूछा गया है। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था, पहले आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए अगर आपके पास ये पेरेंटल डीएनए है, राइट, और अगर आपने इसका क्या करना है, रेप्लिकेशंस कराना है, तो यहाँ पे आपकी एक जो स्ट्रैंड होगी वो क्या होगी, पेरेंटल वाली बनेगी, और इसका भी एक स्ट्रैंड क्या होगा, पेरेंटल वाला बनेगा। बाकी इसका दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं दिस मोड इज नोन एज द सेमी कंजर्वेटिव। तो ये आपका क्या होगा, न्यू हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, पेरेंटल हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, पेरेंटल, ये आपका क्या होगा, न्यू हो जाएगा। तो ऐसा मोड ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स का डीनेचर होने के बाद जो रेप्लिकेशन होता है तो उसमें एक स्ट्रैंड जो होती है वो पेरेंटल होती है, दूसरा जो होता है आपका न्यू होता है। ऐसे काइंड के रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको पढ़ाया जा चुका है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो 3 तरीके से होती है, डिस्पर्स तरीके से होती है, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होती है एंड नॉन कंजर्वेटिव तरीके से होती है, राइट? तो जो हमारे पास रेप्लिकेशन का मोड होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, जिसका मीन होता है कि एक डीएनए की स्ट्रैंड जो होगी न्यू वाले डीएनए में वो आपका क्या होगा, पेरेंटल होगा, दूसरा क्या होगा आपका, दैट इज अ न्यू होगा। तो इस वाले मेथड से आपको पूछा गया है। तो वही एक्सपेरिमेंट था कि सपोज कीजिए यहाँ पे दिया गया कि एक डीएनए मिक्सर है जिसमें एक क्या है आपका अनलेबल्ड है, दूसरा क्या है आपका लेबल्ड है, राइट? और अगर आपको उसको डीनेचर्ड करके क्या करते हैं, फिर से रीनल कराते हैं, तो अगर आप उसका उस वाले डीएनए के सैंपल का अगर आप सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन चलाते हैं तो कितनी बैंड आएगी, यही आपसे पूछा जा रहा है, राइट? तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट में आपका ये सही हुआ है। मान लीजिए कि आपका एक डीएनए का मिक्सचर है जो कि आपको यहाँ पे एक अनलेबल्ड है और दूसरा क्या है, लेबल्ड है, यही डीएनए हम मान लीजिए मान लेते हैं, राइट? तो आपको अगर सपोज यहाँ पे डीएनए का बैंड इस तरीके से कुछ डीएनए सैंपल दे दिया जाए और दूसरा वाला जो स्टैंड है आपका वो इस तरीके से है और इसी का आपको रेप्लिकेशन कराना है। मान लीजिए आपका ये क्या है, सपोज कि नाइट्रोजन 14 है और ये क्या है आपका नाइट्रोजन 15 है, राइट? तो अगर आप इसको क्या करते हैं, किसी मीडियम में कराते हैं, जिस किसी मीडियम में कराएंगे कोई ना कोई सोर्स वहाँ पे नाइट्रोजन का होगा। अगर आप नाइट्रोजन 14 मान के चलते हैं यहाँ पे, तो आपको देख लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। जब ये डीएनए स्टैंड आपका यहाँ पे सेपरेट होगा तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि एक स्टैंड आपकी किसकी होगी, एक स्टैंड होगी आपके नाइट्रोजन 14 वाली और एक स्टैंड किसकी होगी, नाइट्रोजन 15 वाली। तो दोनों स्टैंड पहले आप ये लिख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये 14 वाले का है और ये आपका क्या है, 15 वाले का है। मीडियम आपका आपके पास क्या है, जिस जो यूज करेगा 14 वाला है, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा इसका क्या बनेगा, एक 14 वाला बनेगा और इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो भी क्या बनेगा, 14 वाला बनेगा, राइट? इस तरीके से फिर से जब आप यहाँ पे लेंगे दोबारा इसका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे एक स्टैंड आपकी किसकी आएगी, 15 की आएगी और एक स्टैंड किसकी आएगी, आपकी 14 की आएगी। तो यहाँ पे फिर से आपका वही होगा 14 और 15 का कॉम्बिनेशन, एक आपका क्या होगा 14 और 15 का कॉम्बिनेशन 14 14 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, राइट? और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका 14 14 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो
तो जब आपको इस तरीके से डीएनए का वो देखने को मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पे तीन तरीके के डीएनए बनेंगे। एक तो आपका पूरा का पूरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन मतलब कि मिक्सर बनेगा, नाइट्रोजन 15 और 14 का बनेगा, और एक आपका क्या बनेगा, नाइट्रोजन 14 14 का बनेगा, और एक आपका क्या बनेगा, नाइट्रोजन 15 15 का बनेगा। तो इस तरीके से तीन टाइप के डीएनए होंगे जिनके पास नाइट्रोजन जो सोर्सेस होगा वो इस तरीके से होगा। तो जब इन तीनों लोगों का सीजीएम क्लोराइड पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अगर आपका कराया जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, सबसे जो बॉटम पे आएंगे वो लास्ट पे जो आएंगे कौन से होंगे, नाइट्रोजन। एक मिनट, तो रिक्वेस्ट तो भेजिए, मेरे पास रिक्वेस्ट ही नहीं है। ओके कोई नहीं, आएगा रिक्वेस्ट पास चल जाएगा। तो इस आ गया क्या? ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से तीन टाइप के डीएनए दिखाई देंगे। सबसे जिसका लास्ट में जो बैंड आएगी नाइट्रोजन 15 वाले की आएगी, इसके बाद आपका किसका आएगा, मिक्सर का आएगा, मतलब 14N15 का आएगा इस तरीके से, और इसके बाद सबसे ऊपर किसका आएगा, 14 वाले का आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसके लिए सही हो जाएगा, दैट इज अ थ्री बैंड्स आपको आएंगी इस तरीके से। यहाँ से देखिए दो सवाल पूछा जाता है, हालांकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है तो आपको बाद में पढ़ाएंगे ही। यहाँ से कभी कभी आपसे पूछा जाता है परसेंटेज कि जो आपका नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 का जो आपका डीएनए वाला नाइट्रोजन वाला डीएनए बनेगा उसका परसेंटेज क्या होगा जनरेशन दे करके। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो थर्ड जनरेशन में, कि थर्ड जनरेशन में इनका परसेंटेज क्या होगा। कभी कभी आपसे सेवेंथ या फिफ्थ जनरेशन में भी पूछा जा सकता है कि फिफ्थ जनरेशन या सेवन्थ जनरेशन में इनका परसेंटेज क्या होगा, इनका रेशियो क्या रहेगा नाइट्रोजन 15 और 14 वाले का। तब जब आपका पूरा का पूरा डीएनए क्या हो, नाइट्रोजन 15 वाला हो, और उसको मीडियम में ग्रो किसने कराया जा रहा है, नाइट्रोजन 15 वाले में ग्रो कराया जा रहा है, तो वहाँ पे कंडीशन आपका कुछ बन जाता है। और थर्ड वाले जनरेशन में आपके 75:25 का रेशियो आता है, मतलब कि 3:1 का। ये रेशियो आप याद रखिएगा, खैर आपको जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देंगे। और अभी के लिए फिलहाल आप ही आपने यहाँ पे देखा जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल के लिए आंसर जो है आपका थ्री बैंड है, और कैसे आएगा ये आपको यहाँ पे दिखा दिया, और बैंड क्या क्या होंगे। एक आपकी बैंड होगी जिसमें कि डीएनए में नाइट्रोजन क्या होगा, 15 वाला होगा, जिसकी डेंसिटी सबसे हाइयर होगी तो नीचे आएगा। एक आपका बैंड होगा जिसमें आपके नाइट्रोजन 14 और 15 के दोनों मिक्सर होंगे, जिनका इंटरमीडिएट होगा उसका बीच में आएगा। और एक होगा जिसमें नाइट्रोजन आपका डीएनए का कैसा होगा, 14 होगा तो सबसे ऊपर आएगा। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जो कि हमेशा सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराया जाता है। पूछा जाता है कभी कभी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के लिए CsCl का ही यूज क्यों किया जाता है। तो आप बताते हैं कि सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल के डेंसिटी के बराबर होता है, राइट, दैट इज वाई आप इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हैवियर डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे नीचे की तरफ आएंगे, जो लाइटर वाले होंगे सबसे ऊपर की तरफ रहेंगे। तो इस तरीके से तीन बैंड आपको दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके लिए सही हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर है सही है वैसे, बाय द वे? हाँ जी फटाफट बताइए। गलत है, कितना ऑप्शन लगा दिया? हाँ बिल्कुल, और आप तो आपने तो मेरे ख्याल से सिद्धार्थ तो पढ़ा भी था ये एक्सपेरिमेंट जब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा रहा था। तो ओके, मतलब कि मैक्स ओके, और कोई जैसे बाकी मेरा गलत, हे भगवान, अच्छा कोई बात नहीं है। खैर वैसे वैसे ये क्वेश्चंस गलत होने पर आपको अफसोस नहीं करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको अभी ये वाले यूनिट में पढ़ाया नहीं था, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगेशन से था। हाँ
उसके ये क्वेश्चन देने के पीछे रीजन सिर्फ ये था कि सेंट्रीफ्यूगेशंस मैंने आपको पढ़ाया था डेंसिटी ग्रेडियंट वाला, दैट इज वाई मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया कि अच्छा ये मैंने डेंसिटी ग्रेडियंट पढ़ाया हुआ है तो इसको मैं दे देता हूँ, अदरवाइज तो वैसे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो अगर आपकी ये गलती हुई है तो इसमें कोई ज़्यादा आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं। एनी वे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट द फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, तो इस टेक्निक के बारे में आप, ये टेक्निक के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया कि क्या ये टेक्निक होती है, फ्रीज इचिंग और फ्रीज फ्रैक्चरिंग दो टाइप की टेक्निक होती है, इन दोनों तरीके से आप कोई चीज़ करते हैं, तो जरा फटाफट बताइए मुझे कि ये टेक्निक क्या होती है और क्या इसे आप कर पाते, तुरंत बताइए। हाँ जी, ये टेक्निक तो मैंने पढ़ाया है, फ्रीज फ्रैक्चर भी पढ़ाया है, फ्रीज इचिंग भी पढ़ाया है। हाँ जी, मतलब कि ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है क्योंकि पूछा है नॉट करेक्ट, है ना, इसके लिए क्या सही नहीं है, आप फ्रीज फ्रैक्चर के टेक्निक में ये वाला प्रोसेस जो है वो नहीं करते हैं, राइट, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो कितने लोगों का सही हुआ ये आंसर, चलिए बधाई हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेम टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द स्पेसिमेन, इमेज को बनाने के लिए सेम से क्या होना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स शुड पास थ्रू द स्पेसिमेन, इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्पेसिमेन, अ थिन फिल्म ऑफ अ हैवी मेटल इज इवेपोरेटेड और स्पेसिमेन्स आर स्टैंड, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आपको अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि सेम जो होता है वो हमेशा सरफेस इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, राइट, टेम के बारे में कि वो इंटरनल देता है और ये सेम देता है आपका सरफेस के बारे में, तो सरफेस के बारे में तभी बता पाएगा जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो पड़े और स्पेस से क्या हो स्कैटर्ड हो जाए, राइट, अगर टेम की बात होगी तो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, हमेशा पास आउट होकर के जाएगा, जैसे ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू द स्पेसिमेन, ये किसके लिए फिट है, सेम के लिए, आपसे सेम के लिए पूछा गया था, सेम के लिए हमेशा जरूरी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का बीम पड़ेगा और वहां से स्कैटर्ड होगा, तो यही फ्रिक्वेंसी एनर्जी देख करके उसकी इमेजिंग की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या है, सही है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, सेम और टेम के बारे में बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा दिया कि कब किस कंडीशन में आप सेम यूज करेंगे, कब टेम यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या एडवांटेज है लाइट माइक्रोस्कोप पे, ये भी आपको बता दिया। जरा एक सवाल का मुझे आंसर दीजिए, लाइट माइक्रोस्कोप का क्या एडवांटेज है ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांटेज ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांटेज तो आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन मुझे लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांटेज चाहिए किस पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, बताइए क्या हो सकता है। अरे देवी और देवता लोग, आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं कि लाइट, पहले पहले मेरा सवाल समझिए, आप लोग आपके मन में जो चीज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लेकर, हाँ तो आप बताइए। अरे अमित, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या एडवांटेज है, मैं पूछ रहा हूँ कि लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांटेज क्या है ओवर ऑन electron... वेरी गुड, जी हाँ, लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांटेज है कि आप इस लाइट माइक्रोस्कोप से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग स्पेसिमेन का किया जा सकता है, उसमें लिविंग सेल्स का, हाँ बिल्कुल, इतनी हाई रेंज की हाई एनर्जी की उसमें रेडिएशन जाती है, कोई सेल्स लिविंग कंडीशन नहीं रह पाएगी,
है ना। तो उसके लिए मतलब यही है कि अगर आपको कोई चीज की मोबिलिटी देखनी है, जैसे सेल प्रोलिफ्रेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मियोसिस का फेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल का न्यूक्लियस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सेल में कोई चीज मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीजें अगर आपको जैसे सवाल में अगर डिमांड किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए, तो आप ये दिमाग में लगा लेना कि ऐसे कंडीशंस के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप ही यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम यूज तब करते हैं जब हमको किसी भी स्ट्रक्चर का, चाहे इंटरनल चाहे सरफेस, बहुत ही अल्ट्रा फॉर्म में चाहिए होता है सिर्फ स्ट्रक्चर, उसमें मूवमेंट और उसमें डायनामिक्स नहीं। अगर आपको डायनामिक एक्टिविटीज देखनी है तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। अगर आपको किसी सेल्स में होने वाली कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस को देखना है, किसी मेटाबोलाइट्स के लोकेशंस को ट्रैक करना है, इन सारी चीजों के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम में जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस की डिमांड हो कि आप सेल्स के मूवमेंट को देखना चाहते हैं, न्यूक्लियस के लोकेशंस को देखना चाहते हैं, न्यूक्लियस के मूवमेंट या साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो ऑर्गेन्स हैं उनके मूवमेंट को देखना चाहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की पूरे डायनामिक देखना चाहते हैं, इस टाइप की डिमांड अगर आपके क्वेश्चंस में की जाएगी, तो आप हमेशा लाइट माइक्रोस्कोप का आंसर लगा कर आएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज की पोजिशंस बताता है, किसी भी चीज का अल्ट्रास्ट्रक्चर दिखाता है। क्लियर है? बाकी सेम और टेम को लेकर के पहले बता दिया था फॉर्मूला कि सेम फॉर सरफेस, तो सेम इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे किसी भी मॉलिक्यूल्स के सरफेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जबकि टेम जो होता है टेम फॉर इंटरनल, कि मतलब अगर जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कि बैक्टीरियल सेल्स है, राइट, तो अगर आपको बैक्टीरियल सेल्स का पूरा फ्लैजिला देखना है, पिलाई देखना है और स्लिमी लेयर देखने हैं, ये सारे देखने हैं आपको, तो फिर आप क्या यूज करेंगे उस टाइम पे? सेम यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको इसी बैक्टीरिया का क्या देखना है, राइबोसोम देखना है, और अगर आपको क्या देखना है, रिस्पेरोसोम देखना है, या फिर आपको इसका प्लाज्मिड देखना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, इनका न्यूक्लियोलाइट देखना है, तो उस टाइम पे आप क्या कराएंगे? टेम कराएंगे। तो फॉर द सरफेस एनालिसिस हम लोग क्या यूज करते हैं? सेम यूज करते हैं। इंटरनल के लिए क्या यूज करते हैं? टेम यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लांट सेल्स है, और अगर आप प्लांट सेल्स में क्या करना चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर का जो सेल वॉल है उनको देखना चाहते हैं, उनके बीच में जो आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट सेल्स में जो लिंकेज होता है, जैसे यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, अगर उसको देखना चाहते हैं, राइट, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो सेम करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात आ जाए कि क्या क्लोरोप्लास्ट अगर आपको देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको देखना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, न्यूक्लियस आपको देखना है, ये डीएनए देखना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, गॉल्जी बॉडी देखना है, ये सारा चीज़ देखना है, तो आप क्या करेंगे? टेम करेंगे। तो जब कभी भी सेम के सेल्स के अंदर का इंटरनल पार्ट के बारे में अगर आपको एनालिसिस करना होगा, तो आप वहाँ पर टेम यूज करेंगे। सेल के सर्फेस की बात होगी या किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्फेस की बात होगी तो सेम करेंगे। लिविंग कंडीशंस की अगर बात आएगी तो हमेशा एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कभी भी लिविंग एक्टिविटीज के बारे में बात अगर किया जा रहा हो, मोस्ट ऑफ टाइम पे सवाल में पूछा जाता है कि बैक्टीरियल मूवमेंट को या बैक्टीरियल के डिवीजन को, जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवीजन करता है ना, एक ये बैक्टीरिया है, इसका डिवीजन मतलब इस तरीके से होगा, पहले ये सेल्स को क्या करेगा, इस तरीके से बनाएगा, फिर देर इसके बाद क्या करेगा, एक दो सेल्स यहाँ पे आपके बन जाएंगे। ऐसे डिविजन्स को आप बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं, राइट। तो कभी कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के सेल डिवीजन को देखने के लिए आप क्या, कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे? अगर बैक्टीरिया आपका डिवाइड कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा है, तो आप कौन सी टेक्निक को यूज करके देख पाएंगे? तो ऐसे कंडीशन के लिए हमेशा आप लाइट माइक्रोस्कोप की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांटेज तो है, टू द रिफरेंस ऑफ रिजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, ये सारी चीजें बहुत अच्छी उसकी हैं, लेकिन वो लिविंग सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। उसके लिए जो सैंपल प्रिपेयर किया जाता है उसकी प्रोसेसिंग ही ऐसी हार्ड होती है कि पूरा का पूरा सेल्स एकदम मर जाता है। और दूसरा, वहाँ पे मेटल की ऊपर से कोटिंग की जाती है और उस पर इलेक्ट्रॉन बीम पूरा पड़ता है, तो इतना ज़्यादा एनर्जी होती है कि सेल्स पूरा खराब हो जाता है, डेथ कर जाते हैं। दैट इज़ वाई आप वहाँ पे ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमेशा हम क्या करते हैं, डेड सेल्स के बारे में स्टडी कर पाते हैं, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटेक्टेड बाय, टर्शरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, आप इनमें से जो भी टेक्निक दिखाई दे रही है, इनमें से कौन से टेक्निक को यूज करके आप कर पाएंगे? एक्सरे डिफ्रेक्शन क्रिस्टलोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रोमेटोग्राफी, ये चारों के चारों टेक्निक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर ये सवाल गलत हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके पढ़ाई में है।
कितने लोगों के क्वेश्चन सही हो पाया वैसे ये, तो सब लोगों ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी लगाया राइट। और मेरा सवाल ये है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यों नहीं कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको एक पढ़ाया गया था CDNORD। वंदना ने पूरी मेरी बात को एकदम रिकॉर्ड करके रख लिया। ओके तो मैंने आप लोगों को आंसर में क्या बताया था, यही कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। तो वही तभी मैंने बोला ना कि वंदना ने एग्जैक्टली वही लाइन कॉपी कर ली। ओके चलिए कोई नहीं, तो बाकी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आया कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की नहीं हो सकता इसके लिए, क्योंकि CDNORD टेक्निक से आप 2D एंड 3D स्ट्रक्चर्स आप पता कर पाते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को पता करने के लिए आपने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ही क्यों लगाया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्यों नहीं, उसके लिए आंसर आप लोगों को मिला। चलिए अच्छा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आप लोगों ने किया तो थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल बताइए, किस बेस पे काम करता है ये तुरंत? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करने का सबसे बड़ा लिमिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है? क्या सारे प्रोटीन्स का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया जा सकता है? अच्छा मतलब जो क्वाटरनरी फॉर्म में होंगे उनका नहीं कह सकता है। हाँ इस टेक्निक की सबसे बड़ी डिमेरिट यही थी कि पहले आप प्रोटीन्स को आइसोलेट करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, मतलब पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आइसोलेशन होता है प्रोटीन्स का, और आइसोलेशन होने के बाद फिर क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, मतलब प्योर फॉर्म में किया जाएगा। प्यूरिफिकेशन करने के बाद इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है राइट। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद तब इनकी क्या होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, तब जाकर के यहाँ पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो किसी भी प्रोटीन्स को आप अगर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसका क्रिस्टल फॉर्म बन पाए, दैट इज वाई इसकी लिमिटेशन आई। तो ये सारे प्रोटीन्स का क्रिस्टल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, दैट इज वाई आप सारे प्रोटीन्स के एनालिसिस करने के लिए एक्सरे डिफ्रेक्शन या एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी जो टेक्निक है आप यूज नहीं कर सकते हैं। इस टेक्निक के थ्रू प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को पता करने के लिए वो प्रोटीन आपका क्रिस्टल फॉर्म में होना चाहिए। क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जैसे सपोज क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है, अगर आप लोगों ने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है 12th क्लास की, तो सॉलिड स्टेट में आपको क्रिस्टल पढ़ाए गए, कुछ आप लोगों को इस तरीके से बॉक्सेस बना करके समझाया गया था, कुछ याद आया? है ना, तो आपका ये क्या है, ये क्रिस्टल है जिसके पास सारे के क्या हैं, पॉइंट हैं, इनके ये एड्ज हैं, तो आपको इस तरीके से चीजें पढ़ाई गई। और यही जो आपका होता है, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स उस पे होते हैं, तो इनसे क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल्स का ये जो स्ट्रक्चर्स बनता है ना, अलग अलग बनता है, और जब अलग अलग बनेगा तो जब इस पे लाइट डाली जाती है तो इनके लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, डिफ्रेक्शन होता है, वो अलग अलग एंगल पे होता है, अलग अलग एंगल और अलग अलग इंटेंसिटी पे, वही एंगल और इंटेंसिटी मेजरमेंट करके ये इमेज का क्या करता है, फॉर्मेशन किया जाता है। दैट इज वाई आप सारे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशंस का वो अलग अलग आता है। तो किसी भी प्रोटीन्स का अगर आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो प्रोटीन आपका क्रिस्टलाइज हो सके, मीन्स क्रिस्टलाइज फॉर्म में बन पाए। अगर कोई प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बन पाती है तो आप उसका एक्सरे डिफ्रेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये इसके बेसिक स्टेप्स थे जिनको कि आपको याद रखना चाहिए, कि आप हो सकता है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का आपका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वही पूछ दिया जाए, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सोर्स होगा आपका, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो, उसको होमोजेनाइज करेंगे, होमोजेनाइज करने के बाद आप उसको आइसोलेट करेंगे, फिर प्योरीफाई करेंगे, फिर क्रिस्टल बनाएंगे, फिर एक्सरे डिफ्रेक्शन करेंगे, तब जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या है, सही है। होपफुली कि आप लोगों को इसका मतलब जो है वो समझ में आ चुका होगा कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किस पर्पज से यूज कर सकते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन है। तो आपने जाना कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखने के लिए करते हैं, उसके लिए प्रोटीन्स का क्रिस्टल फॉर्म में होना ज़रूरी होता है।
ओके, नाउ क्वेश्चन आया आपका कि आफ्टर आइसोलेटिंग एंड प्यूरिफाइंग टू द होमोजेनिटी अ स्मॉल एंजाइम जिसका कि नंबर आपको दे रखा है 110, ओके, फ्रॉम अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, यू आर कंफ्यूज्ड एज टू वेदर यू ग्रीव अ वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया और अ म्यूटेंट स्ट्रेन दैट प्रोटेक्ट द एंजाइम विद अ वैलिन रेसिड्यूज एट पोजिशन 66 इंस्टीट ऑफ द ग्लाइसिन फाउंड इन द वाइल्ड टाइप। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आपने कोई एक बैक्टीरिया मतलब वो आइसोलेट किया हुआ है, प्यूरीफाई किया हुआ है, जिसमें कि जो कि एक एंजाइम है आपका 110 अमाइनो एसिड का, और आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि जो आप वो ग्रो करा रहे हैं बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया आपका वाइल्ड टाइप का है या म्यूटेंट टाइप का है। वहाँ पे आपको दे रखा है कि क्या उसमें डिफरेंसेस हैं, बताया जा रहा है कि उसमें 66 पोजीशंस पे क्या है आपका वैलिन है बजाय किसके ग्लाइसिन के, तो ग्लाइसिन के बजाय क्या है आपका वैलिन है, और ये ग्लाइसिन जो है आपका कहाँ पाया जा रहा है, वाइल्ड टाइप में पाया जा रहा है जो कि नॉर्मल है। तो वाइल्ड टाइप जो कि ग्लाइसिन का पाया जाना होता है, इसके बजाय यहाँ पे आपका वैलिन पाया जा रहा है जो कि म्यूटेंट टाइप का है। तो उसको पता करने के लिए फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर और प्रोटीन यू विल यूज, कौन सी टेक्निक को आप ये यूज करेंगे जिससे कि आप बहुत जल्दी टाइम पे आप ये बता पाएं कि हाँ आपने जो वो अमाइनो एसिड पिकअप किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है प्रोटीन, वो एंजाइम कौन सा है, म्यूटेंट वाला है या फिर आपका नॉर्मल वाला है। तो इसके लिए टेक्निक आपको यहाँ पे दे रखी है जिसमें बोला गया है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आयन स्क्रोमेटोग्राफी, एचडीएसपी, एनएसपीएलसी। तो पहला सवाल तो मेरा यही है आप सब लोगों से, क्या ये सारी टेक्निक को यूज करके हम ये चीज बता पाएंगे? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? कितने लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, ये मतलब किया हुआ था उस टाइम पे? हाँ जी बताइए। पहला मेरा सवाल यही था कि क्या जो सारी जो टेक्निक लिख रखी हैं, क्या उन सारी टेक्निक से हम इस चीज का डिटरमिनेशन कर सकते हैं? बताइए भाई, थोड़ा जल्दी बताइए। अच्छा तो चलिए हम अब पूछते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्यों नहीं कर सकते, इसका क्या रीजन है? हाँ ओके, एसडीएसपीएच क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, वैलिन का और ग्लाइसिन का मास सेम रहेगा? हाँ किससे, एसडीएसपीएस से? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे ये यूज क्यों नहीं किया सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपने क्या किया, मास का ही डिफरेंस तो मेजरमेंट किया ना, और वही मास का डिफरेंस आपका एसडीएसपीएच में भी आ जाता, क्या प्रॉब्लम थी? आपने आंसर किया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम समझ गए, बाकी चीजों के लिए हमको जस्टिफिकेशन चाहिए कि आपने उसको क्यों नहीं किया। बाकी लोग भी आंसर कर अच्छा, एसडीएसपीएस करना आसान है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी?
हाँ जी किसकी वजह से? हाँ हाँ बताइए बताइए। अरे अपने अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताइए, उसको हाइड मत कीजिए। ये आपको समझने और आपको अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए क्लास है। सिर्फ आंसर पर टिक लगा देने कोई मतलब नहीं है। आयन एक्सचेंज, वेरी गुड। क्या सोच के लगाया प्रियंका? अच्छा वेरी गुड। तो प्रोटीन तो वही एक ही है आपने जो ग्रो कराया है, प्रोटीन 110 अमीनो एसिड वाली ही है। यहाँ पे भी वही है, सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका ग्लाइसिन है और यहाँ पे आपका वैलिन है। यही आपको पता करना है कि ये सही वाला है कि नहीं है। सेम नंबर ऑफ अमीनो एसिड चलिए, इन्होंने आइंस्टीन लगाया क्यों ये भी बता दिया, और क्या है ये भी बता दिया। और बाकी लोग बताइए फटाफट भाई, क्यों मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कोपी क्यों सही है? बाकी लोग चले गए हैं क्या क्लास में से? अच्छा 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 हाँ चलिए हाँ अच्छा, मतलब किसी के पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन मन में नहीं आया, बस ये लगा कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, दैट इज़ वाई हमने इसको लगा दिया है ना। अच्छा ओके, अच्छा ओके, एसपीएलसी बाकी लोगों ने लगा दिया तो सबका गलत हो गया है ना। चलिए देख लेते हैं बाकी तीन ऑप्शंस पे, जो सही है उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, बाकी इन तीनों पे भी देख लेते हैं कि इनको क्यों नहीं किया जा सकता इनका यूज। तो जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि आयन क्रोमेटोग्राफी में टारगेट या तो आपका कैटायन होगा या तो क्या होगा आपका एनायन होगा। यहाँ पे जो प्रोटीन दे रखा है, देर इज नो एनी चार्ज मेंशनिंग ऑन देम, कोई भी चार्ज आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई पीएस वैल्यू दे रखा है। इसके बेसिस पे आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि हाँ इस पे प्रोटीन पे ओवरऑल जो चार्जेस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कहीं पे भी पीएच का, कहीं पे भी चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। तो विदाउट पीएच और विदाउट चार्ज के आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि ये वाली जो एंजाइम है 110 अमीनो एसिड का, उस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर ये चीज़ क्लियर अगर नहीं है तो हम आयन क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी आपको आयन सेंस क्रोमेटोग्राफी अगर आपको यूज करनी है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, तो आपको ये पता होना चाहिए चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये किसने बता दिया?
वेरी गुड। तो ये आपको नहीं ये आपको नहीं पता है कि ये जो यहाँ पे ये जो एंजाइम दे रखा है, इस एंजाइम का को कोई पीएच नहीं दिया हुआ है। आइसोलेट आपने किया किस पीएच पे किया? वैलिन पे चार्ज कभी बन भी सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पीएच पे। तो जब यहाँ पे अगर पीएच यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप किसी भी प्रोटीन पे या किसी भी एंजाइम पे जो चार्ज आता है वो डिपेंड किस पे करता है? पीएच वैल्यू पे करता है कि नहीं करता? अगर आपको यहाँ पे पीएच मेंशन नहीं है, देन आप कैसे इस बात पे आ सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव ही चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था? और अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है, तो क्या आप उस केस में आइंस्टीन क्रोमेटोग्राफी यूज कर पाएंगे? सो आंसर इज नो। अब आते हैं एसडीएस स्पेस पे, राइट? एसडीएस स्पेस में जो मॉलिकुलर मार्कर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे मार्कर के रूप में बैंड जो आपको दिखाई देती है, क्या आपने कभी ऐसा कोई मार्कर देखा जहां पे 1 KB का या 1 यूनिट का डिफरेंसेस आपको दिखाता हो? जो भी मार्कर आपको दिखते हैं वो या तो 100 के डिफरेंस में रहते हैं डाल्टन के डिफरेंस में, या तो 500 के डाल्टन के डिफरेंस में रहते हैं, इस तरीके से रहता है। मतलब एक जो बैंड आपको दिखेगी दूसरे बैंड के बीच में डिफरेंस मिनिमम आपका 100 डाल्टन का दिखाई देगा, अगर प्रोटीन वाला अगर आप देखेंगे तो दिखाई देता है। एक अमाइनो एसिड में वो भी जो आपका ग्लाइसिन है उसमें क्या है? एच है। वेरिन में आपका क्या है? CH3 है। सिर्फ आपका CH2 का मतलब एटॉमिक नंबर 14 तक का खाली डिफरेंस है, 14 U का। इतने कम यूनिट के डिफरेंस को इलेक्ट्रोफोरेसिस से एसडीएस स्पेस से डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है। लगभग मतलब आप उसको जैसे ये जो आप ये जो मार्कर लगाएंगे ना, एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के लिए जो आप मार्कर लगाएंगे, इस मार्कर पे आपकी जो जैसे मान लीजिए सपोज कि ये 1000 की हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाली बैंड, फिर आपने लगाया 900 का, फिर आपने लगाया 800 का, फिर आपने लगाया 700 का, इस तरीके से आप लगा रहे हैं, राइट? तो ये जो 700 का गैप आएगा ना, उस गैप में आपको इसकी जो पोजीशन होगी बहुत लाइटली स्लाइटली हल्का सा डाउन की तरफ आएगा, जो कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसलिए से आप एसडीएस पेज भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में बहुत माइनर डिफरेंस है। बात अब आती है एसपीएलसी की, कि एसपीएलसी आप यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एसपीएलसी के ग्राफ में, जिसे आप क्रोमेटोग्राफ बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम बोलते हैं, वहाँ पे सबका क्या आता है? पीक आता है इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स का। आपका ये रिटेंशन जो टाइम होती है, मीन्स आरएफ की वैल्यू से आप बोलते हैं, ये अलग होता है, और सबकी अपनी अपनी क्या होती है? पीक्स होती है। लाइक इस तरीके से आपका क्या आता है? बैंड आता है। तो डेफिनेटली जहाँ पे आपका ऐसा कोई एंजाइम जिसके पास एक ग्लाइसिन था, उसकी बैंड अलग आती और इसकी बैंड आपको मतलब इसकी जो पीक होगी अलग आएगी। लेकिन ये एसपीएलसी करना उतना इजी काम नहीं है, बहुत टीडियस टास्क होता है। इसके लिए रेफरेंस आपको चलाना पड़ेगा इस वाले प्रोटीन का भी और इस वाले प्रोटीन का भी, तब जाकर के आप ये उससे कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ ये वाली प्रोटीन आपकी ये वाली है या ये वाली प्रोटीन आपकी म्यूटेंट वाली है। तो दोनों के लिए पहले आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इन दोनों के मॉलिकुलर मास में डिफरेंसेस बहुत कम है, तो इनकी जो पीक आएगी बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगी, एकदम पास पास में आएगी, जिससे कि शायद आपको देख करके ये मतलब डिस्टिंग्विश कर पा रहा है एग्जैक्टली यहाँ यही है कि नहीं है, उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। हालांकि एसपीएलसी बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, और इससे आप सारे मॉलिक्यूल्स के नेचर के बारे में, मतलब अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में बता पाते हैं आप। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका सेम है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, तो वो एक सिंगल अमाइनो एसिड उतना डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा कि नहीं, जिसकी वजह से इसकी बैंड अलग मतलब पीक अलग आए, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। और यहाँ पे आपको देख रखा है फॉर क्विक डिटर्मिनेशन, जल्दी से अगर आपको बताना है तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा है जो कि अगर एक सिंगल एटम का भी डिफरेंस अगर रहेगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन अलग आएगी, और उसका चार्ज बाई मास का रेशियो मतलब ई बाई एम का जो रेशियो होगा वो अलग आएगा, जिसकी वजह से वो सारे का सारा आपका प्रोटीन जो होगी वो अलग हो जाएगी। तो वेलिन में और ग्लाइसिन में आपका 14 U का मीन्स 14 डाल्टन मतलब उसका यूनिट का डिफरेंसेस है, और ये डिफरेंसेस बड़े आसानी से ही मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं। दैट इज़ वाई आप ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे, ठीक है? क्लियर हुआ सबका? आप जो आंसर लगा रहे हैं उसके अलावा जो आंसर आप नहीं लगा रहे हैं उनके पीछे भी आपके पास बहुत अच्छे से जस्टिफिकेशन होना ही चाहिए। अगला सवाल फिर से,
क्या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का ई बाई एम चार्ज बाई जो रेशियो मास का रेशियो होता है उसके बेसिस पे वो स्पेक्ट्रा जनरेट करता है। अगर किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सिंगल हाइड्रोजन का भी डिफरेंस है तो उसका ई बाई एम का जो रेशियो आएगा चार्ज बाई मास का वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और इसी के बेसिस पे वो क्या करता है, इमेज जनरेट करता है। तो आप बड़े आसानी से इस टेक्निक से इजी वे में क्लियर कट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि वैलिन और ग्लाइसिन के मॉलिकुलर मास में डिफरेंसेस है। यहाँ पे सी एस थ्री का क्या होगा, डिफरेंस होगा। किस पे? तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि एसडीएस क्यों नहीं कर सकते हैं। एसडीएस पेज में जब आप प्रोटीन के मॉलिक्यूलर मास जो अननोन होते हैं उनका अगर आपको ना मास अगर एप्रोक्स लगाना होता तो आप क्या लगाते हैं, मार्कर लगाते हैं। मार्कर प्रोटीन चलाते हैं ना, तो मार्कर जो प्रोटीन्स होते हैं उन मार्कर प्रोटीन के बीच का डिफरेंस यूनिट का होता है। मिनिमम यूनिट आप 100 का रख सकते हैं, 100 डाल्टन का। ज्यादातर केसेस में 500 या 1000 डाल्टन का होता है, लेकिन अगर आप 100 डाल्टन का भी डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस बहुत कम है, सिर्फ 14 यूनिट का डिफरेंस है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो डिस्टिंग्विश जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस यहाँ पे है उतना मॉलिक्यूलर वेट का डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस आपको यहाँ पे इसके बैंड में दिखाई नहीं दे पाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे भी आप लोग सही तरीके से प्रॉपर जस्टिफिकेशन देंगे, ऑप्शंस क्यों सही है और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है। अ डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर से आपने डीएनए को क्या किया है, आइसोलेट कर लिया है, ये आपका डीएनए है राइट। द मीन जीसी कंटेंट ऑफ ई कोलाई इज 50%। इनका जो जीसी कंटेंट है वो कितना है, 50% है। द डीएनए इज डिजॉल्व इन अ मिक्सचर ऑफ 0.15 मोलर एनएसीएल। 0.15 NaCl के मोलर में क्या किया गया, डिजॉल्व कर दिया गया। ये मान लीजिए आपके पास 0.15 मोलर का NaCl है और आपने डीएनए को इसमें क्या किया है, डिजॉल्व कर दिया है। एंड 0.15 मोलर सोडियम सिट्रेट, और यहाँ पे दूसरा आपके पास क्या है, 0.15 का ही है सोडियम सिट्रेट है, इसमें भी आपने क्या किया। अच्छा सॉरी, 0.015 वहाँ पे, 0.15 यहाँ पे 0.05, ये NaCl है और ये सोडियम सिट्रेट है। तो डीएनए का आपने आइसोलेट किया और इन दोनों ही वेल्स में जो कि आपके रखे गए हैं सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दिया। अब मेल्टिंग कर्व इज ऑब्टेंड, इन दोनों को करा करके मेल्टिंग कर्व क्या किया गया, बनाया गया, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर का कर्व बनाया गया। इंस्टीड ऑफ अ स्मूथ कर्व देर आर टू स्टेप्स हैविंग टीएम ऑफ 80 and 88 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन दोनों के डीएनए का जब क्या किया गया, मेल्टिंग कर्व अपनाया गया, मतलब बनाया गया। तो जो मेल्टिंग कर्व आपने देखा था वो क्या तरीके में दिखाता है, एक तो आपका दिखाता है टेम्परेचर बढ़ते हुए ऑर्डर में, और यहाँ पे आपका दिखाता है डीएनए का परसेंटेज कि कितना परसेंट आपका वो हुआ है। और आप इसके लिए कर्व देख करके आए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि हाँ इतने टेम्परेचर पे 50% आपका क्या हुआ है, डीएनए पूरा मेल्ट कर गया है। तो ये जो आपको नॉर्मली स्मूथ दिखाई दे रहा है, स्मूथ के बजाय क्या आया है, रैंडम आया हुआ है। इंस्टीड ऑफ अ स्मूथ कर्व देयर आर टू हैविंग टीएम ऑफ 88 और 80। मतलब यहाँ पे दो कर्व आ गए, एक आया आपका 80 पे और एक आया आपका 88 पे राइट। मतलब एक डीएनए का सैंपल 88 वाले का टीएम दिखा रहा है, मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी है, 80 है, और दूसरे वाले का 88 है। मतलब इस तरीके से आपको बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका 50% यहाँ पर आ रहा है, इसका 50% यहाँ पर आ रहा है राइट। तो इसके बाद आपसे पूछ रहा है द फर्स्ट स्टेप्स अकाउंट फॉर 20% ऑफ द टोटल इंक्रीजेस राइट। यहाँ पे दिखा रहा है कि दो ये दोनों के लिए में आपका जो डिफरेंसेस है, जो इंक्रीज दिखा रहा है वो 20% दिखाई दे रहा है। तो व्हाट कैन बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, इन सारे स्टेटमेंट के लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपका क्या हो सकता है, क्यों ऐसा आ रहा है कि वहाँ पे जो मेल्टिंग टेम्परेचर का कर्व है वो एक के बजाय दो आ रही है, दोनों में आपका टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाई दे रहा है, 80 और 88 है वहाँ पे। तो ये सब सारे जो फिनोमेना हो रही है उसके पीछे का लॉजिक आप क्या देंगे। हाँ जी बताइए।
ये तो सिर्फ डीनेचुरेशन करने के लिए है और कुछ नहीं, मतलब कि जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि पार्ट सी में कई सारे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि उनका टफ लैंग्वेज होती है। इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे घुमा दिया ना कि यहीं पढ़ते पढ़ते आधा जाते आते आदमी होता कह रहे अब तो मेरे बस का नहीं, आगे निकल जाते हैं। मतलब मेन जो इसका क्वेश्चंस का टारगेट है वो सिर्फ यहाँ पे है कि दो डीएनए का अगर आपने मेल्ट मेल्ट कराया तो उनके टेम्परेचर में ये वेरिएशंस दिखाई दिए, वो वेरिएशंस के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है। वेरी गुड, पूजा की किस्मत काम कर रही है। हाँ चलिए फटाफट, ओके कितने लोगों के ये क्वेश्चन सही हुए हैं। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। तो क्या अभी इस क्वेश्चंस पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है या अभी सबको समझ में आ गया मेरे सिर्फ समझाने से ही। सिंपल सा यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है, आपको कल भी बताया था जब पढ़ाया था ये टीएम टेम्परेचर के बारे में, जब कभी भी दो अगर आपके डीएनए का टीएम टेम्परेचर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे जीसी जो कंटेंट है या एटी जो कंटेंट है वो अलग अलग है, राइट। अलग अलग होने का मतलब कि वहाँ पे डीएनए जो है वो अलग अलग कंपोजिशंस के हैं, राइट। मतलब दो डीएनए को अगर डीनेचर करने में टेम्परेचर अगर वेरिएशन दिखाई दे रहा है इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे आपके जो दोनों जो डीएनए है उनमें जीसी कंटेंट या एटी जो कंटेंट है वो अलग अलग है, राइट। अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ कि वो अलग डीएनए ही है। तो नंबर पहला आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, मिक्सर कंटेंट टू टाइप ऑफ डीएनए एंड जीसी कंटेंट अगर टू टाइप ऑफ डीएनए आर डिफरेंट, तो जीसी कंटेंट अगर डिफरेंट होगा तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। और जब जीसी कंटेंट डिफरेंट हो गया इसका मतलब दोनों जो डीएनए होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऑप्शन नंबर पी और की दोनों आपके क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मिक्सर कंटेन सिंगल टाइप ऑफ डीएनए बट विद यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन रीजन, क्या ऐसा ये पॉसिबल है कि मतलब एक सिंगल सिंगल काइंड का डीएनए हो और उसके यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन रीजन का मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग आए। हाँ जी पॉसिबल नहीं, स्टेटमेंट गलत है। मिक्सर्स कंटेन सिंगल टाइप ऑफ डीएनए विद टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, यूनिक एंड हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। यूनिक एंड हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से क्या होता है, अगर डीएनए का सीक्वेंस अगर आपका हाईली रिपीटेटिव होगा तो उसकी रीनेचुरेशन जो काइनेटिक्स होती है, रीनेचुरेशन जो काइनेटिक्स होती है तो उसमें टाइम कम लगता है, जल्दी से जल्दी आपका रीनेचर्ड हो जाता है और तुरंत आपको मतलब सीक्वेंस दिखाई देने लगता है। और अगर आपके यूनिक टाइप के होंगे तो वहां पे रीनेचुरेशन में टाइम ज्यादा लगता है, जैसे अगर आप बैक्टीरिया का और यूकैरियोटिक का अगर इन दोनों का रीनेचुरेशन काइनेटिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि यूकैरियोटिक का रीनेचुरेशन टाइमिंग क्या होता है, बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है, मीन्स जल्दी से जल्दी हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि जीनोम साइज इसका ज़्यादा होता है इसका छोटा होता है। रीजन आप क्या बताते हैं कि यूकैरियोटिक में लगभग 90% के मतलब मैक्सिमम जो सीक्वेंसेस होते हैं कैसे होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, तो रिपीटेटिव डीएनए जो सीक्वेंसेस होते हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री बहुत तेजी से बनता है और उनका टाइम ड्यूरेशन जो होता है कम हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया में सारे के सारे डीएनए के सीक्वेंस यूनिक होते हैं, दैट इज वाई वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। तो रीनेचुरेशन काइनेटिक्स से आप डीएनए के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन बता पाते हैं,
जिस किसी भी डीएनए के लिए रीनेचुरेशन होने में टाइम कम लगता है, दैट मींस कि वहां पे डीएनए का जो सीक्वेंस है कैसा है, आपका रिपीटेटिव है। और अगर रीनेचुरेशन करने में टाइम ज्यादा लगता है, कर्व ज्यादा बड़ा आता है, ग्राफ ज्यादा रहता है, तो वहां इसका मतलब होता है कि डीएनए सारे यूनिक टाइप के हैं और कोई रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं है। बैक्टीरिया और यूकेरियोटिक में अगर आप री एसोसिएशन या री नेचुरेशन काइनेटिक्स के स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो आपको जानने को मिलेगा कि बैक्टीरिया का जीनोम छोटा होने के बावजूद भी, कई टाइम्स छोटा, यूकेरियोटिक कंपैरिजन में छोटा होने के बावजूद भी उसकी री एसोसिएशन या री नेचुरेशन की जो काइनेटिक्स का टाइम ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू यूकेरियोटिक के। रीजन सिंपल है, यूकेरियोटिक कंटेन हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस वाइल बैक्टीरिया कंटेन यूनिक सीक्वेंसेस। तो ऑप्शन नंबर आर और ऑप्शन नंबर एस ये गलत है। तो सही क्या है? सिर्फ दो। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बता रहा है, पी एंड क्यू। ठीक है, हाँ जी, इतना टाइम जो लग रहा है इसको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को समझते भी चलिए, और इसको सिर्फ ऐसे नहीं कि आप आंसर टिक कर रहे हैं और आपका ऑप्शन सही हो रहा है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस को समझना भी है, सॉल्व भी करना है। फिर से आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला, घुमाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अ डीएनए सैंपल एंड अ प्रोटीन सैंपल आर मिक्स। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कोई एक ट्यूब है, यहाँ पे आपको दो चीज़ दे दिया गया है, एक तो डीएनए दे दिया गया है और दूसरा को क्या दे दिया गया, प्रोटीन दे दिया गया। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी गई हैं, मिक्स करा दिया गया, राइट। मिक्सचर इज इक्वली डिवाइडेड इंटू ए एंड बी। अब इस मिक्सचर्स को क्या किया गया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ए एंड बी। NaCl कंसेंट्रेशन आर 0.01 मोलर, 0.01 मोलर एंड 1 मोलर ए बी रिस्पेक्टिवली। तो ए वाले का इतना मोलर हो गया, बी वाले का 1 मोलर हो गया, राइट। इन सैंपल ए माने इस वाले में, सैंपल ए द CD स्पेक्ट्रम ऑफ द DNA इज चेंज्ड। CD स्पेक्ट्रम जो लिया गया उसका क्या है, वो चेंज हुआ, बट द ऑफ द प्रोटीन इज नॉट। CD स्पेक्ट्रम ऑफ द DNA इज चेंज, मतलब जो मिक्सचर था उसमें DNA के लिए जो CD स्पेक्ट्रम है वो क्या आया, अलग आया, चेंज आया, लेकिन प्रोटीन के लिए कोई वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुई। इन सैंपल बी द CD स्पेक्ट्रम ऑफ नाइदर इज चेंज्ड। सैंपल बी में ना तो आपका डीएनए के लिए चेंज हुआ और ना ही प्रोटीन के लिए चेंज हुआ, मतलब CD स्पेक्ट्रम का कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ। द CD स्पेक्ट्रा ऑफ अ प्योर DNA इज इन, द CD स्पेक्ट्रा ऑफ अ प्योर DNA इन 0.01 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर NaCl आर द सेम। आपको बताया जा रहा है कि जो प्योर DNA का फॉर्म था उस DNA के लिए इन दोनों ही कंसेंट्रेशन में NaCl में जो स्पेक्ट्रा आई वो सेम आई। सो व्हाट वुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो पहले सवाल को समझिए, प्योर जब हमारा DNA है तो उस DNA के लिए दोनों ही कंसेंट्रेशन में 0.01 मोलर में और 1 मोलर में जो CD स्पेक्ट्रा है वो क्या है आपका, सेम है। पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको क्या किया गया कि एक ट्यूब में प्रोटीन और DNA दोनों क्या किया गया, ऐड किया गया, और उस ट्यूब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ए और बी में, जहाँ पे एक में मोलरिटी रखी गई 0.01 मोलर NaCl और एक में रखा गया 0.1 मोलर NaCl। पहले वाले में जब किया गया तो DNA का जो CD स्पेक्ट्रा आया वो क्या आया, चेंज आया, लेकिन प्रोटीन के CD स्पेक्ट्रा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरे वाले में DNA और प्रोटीन दोनों के ही स्पेक्ट्रा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इन सारे स्टेटमेंट को देख करके आपको बताना है कि क्या चीज सही है। हाँ जी, तो इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ पहले ताकि आपको दिखाई दे, और तब आप अच्छे से क्वेश्चंस को करिए।
हाँ जी बताइए सर। सिद्धार्थ, आपको क्या सही लग रहा है और क्यों आपको सी गलत लग रहा है? सिटी स्पेक्ट्रा किसका करते हैं? सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी किस टाइप की मॉलिक्यूल करते हैं? ओके, तो मेरा सवाल ये है कि सीडी स्पेक्ट्रा डीएनए और प्रोटीन में से किसका किसका कर सकते हैं आप? प्रोटीन का नहीं? अरे भाई, सीडी और आरडी तो प्रोटीन के लिए पढ़ाया गया ना आपको, तो फिर इतना कंफ्यूजन किस बात के लिए है? ध्यान से थोड़ा पढ़िए, दिमाग लगाइए, क्वेश्चंस का आंसर उसी उसके स्टेटमेंट में ही छिपा हुआ है। बट वो वेरी गुड। क्वेश्चंस को ऊपर नीचे से पढ़ना शुरू करिए। यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चंस में, द स्पेक्ट्रा ऑफ प्योर डीएनए इन 0.01 मोलर एंड 1 मोलर एनएसीएल आर द सेम। इसका मतलब ये समझ में आया कि इस मोलारिटी का, 0.01 का और 1 मोलारिटी का डीएनए के स्पेक्ट्रा पे कोई इफेक्ट नहीं है। पहला चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट से ये समझ में आ गया कि जो मोलरिटी सॉल्यूशन दे रखा है उससे डीएनए के स्पेक्ट्रा पे कोई फर्क नहीं है। प्योर फॉर्म में अगर डीएनए आपका है तो दोनों के लिए सेम स्पेक्ट्रा आएगा। अब यहाँ पे देखा जाएगा इफेक्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डालने की वजह से ही स्पेक्ट्रा में गड़बड़ी आ रही है। ओके, तो अब यहाँ से आते हैं पहले वाले स्टेटमेंट में। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सिर्फ क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए था, और इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे आपको नीचे क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन सब शुरू आपका होता है यहाँ से, सैंपल ए जिसमें कि ये स्टेटमेंट है, राइट। अब ये मोलरिटी का कोई फर्क नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। द स्पेक्ट्रम ऑफ द डीएनए इज चेंज बट द स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोटीन इज नॉट चेंज। यहाँ पे सबके लिए स्पेक्ट्रम सेम आ रहा था, यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम क्या आया, चेंज आया। तो जो चेंजेस आया होगा किसकी वजह से, प्रोटीन के बाइंड करने से। क्योंकि इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डीएनए आपका प्योर है, यहाँ पे डीएनए आपका प्रोटीन के साथ में है। तो अगर प्योर फॉर्म में डीएनए आपका नॉर्मल आ रहा था और यहाँ पे स्पेक्ट्रम में कोई अगर चेंजेस आया, तो उस चेंजेस के पीछे का रीजन क्या है, प्रोटीन का बाइंड करना। बात अभी आप आगे सुनिए। अरे भाई,
यहाँ पे डीएनए दे रखा है, प्रोटीन नहीं। प्रोटीन पे मोलरिटी का असर पड़ता है, प्रोटीन का जो आपका ओवरऑल चार्ज होगा या जो डीएनए से बाइंडिंग एफिनिटी होगी वो डिपेंड करेगा इसके आयनिक स्ट्रेंथ पे। यहाँ पे ये रीजन दे रहा है साफ साफ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पी में ये बता रहा है कि प्रोटीन बाइंड टू द डीएनए इन 0.01 मोलर एनएससीएल बट नॉट इन 0.1 मोलरिटी। ये वाली जो मोलरिटी है उस वाले कंडीशंस पे उस प्रोटीन के पास, प्रोटीन से डीएनए से बाइंड करने के लिए प्रोटीन के पास चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये वाली जो मोलरिटी है उस वाले कंडीशंस पे इसके ऊपर चार्ज डेवलप पॉजिटिव है, इस वाले मोलरिटी पे ना ये मोलरिटी बहुत ज्यादा हाई है। ये प्रोटीन यहाँ पे बाइंड कर पाया है, दैट इज वाई वहां पे ए वाले में क्या किया, स्पेक्ट्रम पे चेंजेस आया है, और इस वाले कंडीशन से प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाया, दैट इज वाई वहां पे कोई चेंजेस नहीं आया है। ये दोनों ये पता नहीं चलेगा, ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए उसी के बेस पे आपको लगाना था। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्यू क्या कह रहा है, एट 0.01 मोलर एनएससीएल प्रोटीन इंड्यूसेस अ चेंज इन द हेलिकल हेलिसिटी ऑफ डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बाइंड करेगा इस वाले कंसेंट्रेशन पे प्रोटीन डीएनए से, तभी जाकर कोई चेंजेस कर पाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। ये इस वाले मोलरिटी पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद से ही डीएनए के अंदर में चेंज किया, जिसकी वजह से उसके स्पेक्ट्रम में चेंजेस आए। ये दोनों ही लाइन अपने आप में एक दूसरे का जस्टिफिकेशन है। समझ आया? दैट इज वाई पी एंड क्यू आंसर क्या है आपका, सही है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ लिसन लिसन, यहाँ पे टारगेट आपका डीएनए है, पहले दे रखा है। नॉर्मल कंडीशन, फिर से समझिए क्वेश्चंस को, नॉर्मल कंडीशन 0.01 और 1 मोलरिटी, इन दोनों ही कंडीशंस में जब डीएनए का स्पेक्ट्रम लिया गया तो सीडी स्पेक्ट्रम क्या आया, सेम आया। कैसा आया? सेम आया। अब जो कंडीशंस आपको ए दे रखा है, जो कंडीशन आपको बी दे रखा है, ए एंड बी, और इन दोनों में क्या आपका प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पे ही प्रोटीन है, यहाँ पे ही प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन मतलब पी प्लस डीएनए, यहाँ पे भी आपका पी प्लस डीएनए, यहाँ पे कंडीशन है 0.01, यहाँ पे कंडीशन है 1 मोलरिटी। यहाँ पे जब इस वाले मिक्सर का सीडी स्पेक्ट्रम लिया गया तो डीएनए का सीडी स्पेक्ट्रम चेंज आया, किससे, इस वाले स्पेक्ट्रम से चेंज आया। तो चेंजेस किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन की वजह से। यहाँ पे आपको बता रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख रखा है नाइदर चेंज। इसका मतलब चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि इस वाले कंडीशंस में प्रोटीन जो था डीएनए से बाइंड नहीं किया, तो जो बैंड आपको नॉर्मल प्योर फॉर्म में दिखाई दे रही थी वही बैंड आपको स्पेक्ट्रा का यहाँ पे भी दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रोटीन ने बाइंड किया दैट इज वाई स्पेक्ट्रम चेंज आया। और ये दोनों स्टेटमेंट यही बता रहे हैं कि 0.01 मोलरिटी पे एनएससीएल बाइंड कर सकता है या बाइंड किया है प्रोटीन से, जबकि 0 मतलब 1 मोलरिटी पे एनएससीएल पे प्रोटीन बाइंड नहीं किया डीएनए से। तो जब यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तो डीएनए के स्पेक्ट्रम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कि बी वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ए वाले का मोलरिटी इतना कम है जो कि बाइंड किया है, और बाइंड करने के बाद उसके हेलिसिटी में मतलब उसका जो टर्निंग पॉइंट है उसमें क्या चेंजेस आया है, जिसकी वजह से प्रोटीन की स्पेक्ट्रा की बात तो कर ही नहीं रहा है, वो डीएनए की स्पेक्ट्रा की बात कर रहा है। हाँ, नहीं हुआ किसके, नहीं, ये लाइन से आप ये मत कर, ये देखिए यहाँ पे ये आपको जो क्वेश्चंस का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, ये प्योर डीएनए का आपको देखकर देखिए यहाँ पे समझिए, प्योर डीएनए का दे करके दोनों कंडीशन में आपको ये बता दिया कि डीएनए पर 0.01 मोलरिटी का और 1 मोलरिटी के स्पेक्ट्रम पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब कंडीशन आपको दे रहा है प्रोटीन के इनकॉर्पोरेशन का, और हमेशा वो डिमांड सिर्फ सीडी के स्पेक्ट्रा कर रहा है डीएनए का, न कि प्रोटीन का।
और ऑप्शंस में भी आपको कहीं पे भी प्रोटीन टर्म नहीं लिया है, हमेशा डीएनए का ही दे रहा है। स्पेक्ट्रा 3 बार लिया गया, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स प्योर डीएनए का, सेकेंड टाइम डीएनए प्लस प्रोटीन का 0.01 मोलरिटी में, थर्ड टाइम डीएनए प्लस प्रोटीन का 1 मोलरिटी में। और इन तीनों में आपको रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे सेम स्पेक्ट्रा आया, यहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे नो चेंज आया, यही बताना है आपको कि क्यों हुआ ऐसा। कोई बात नहीं, बायोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन थोड़े ऐसे होते हैं जिनमें ये नॉर्मेलिटी मोलरिटी ये सब देख करके ना थोड़ा सा दिमाग बाउंस करा देता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है। क्या बात है, और किसका सही हुआ? अच्छा आपका सही है, वेरी गुड। अच्छा पहले मैं कई दिनों से कुछ लोगों का आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या परेशानी है भाई? ज़रा बाकी लोगों से भी थोड़ा हो जाए। अवनीत ने जवाब दे दिया, कांचा ने दे दिया, वंदना ने दे दिया, प्रियंका, अमित, मुमताज। मुमताज क्या है आपका क्वेश्चन का आंसर, सही हुआ कि नहीं? अच्छा क्या समझ, अच्छा अभी जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया तब आपको अपनी गलती रियलाइज हुई कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है? ओके, कोई बात नहीं, अभी समझ में आया। चलिए ठीक, अच्छा कोई नहीं, ये वाली वीडियो को आप लोग ना एक बार दोबारा जरूर देखिएगा, सारा ये एक्सप्लेनेशन जो लिखा जा रहा है वो हो सकता है कि एक बार में आपके दिमाग में न धंस पाए, तो जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ये दिए जाएंगे तो आप इसको दोबारा भी जरूर देखेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अ वेवलेंथ शिफ्ट इज बैथोक्रोमिक एंड हाइपरक्रोमिक व्हेन। तो पहले तो मुझे फटाफट आप दोनों लोग, आप में से कोई भी मुझे इन दोनों का मतलब बता दे कि ये बाथोक्रोमिक क्या होता है और हाइपरक्रोमिक क्या होता है। हाँ जी हाँ जी, पहले कोई मुझे, अरे वो सब तो ठीक है, पहले इन दोनों का को मतलब कोई समझाए भाई, क्या मतलब है, तब तो हम समझेंगे क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आप लोग। जी क्या क्या हो गया? अच्छा ये आप लोगों को पढ़ाया था, पढ़ाया तो मैंने सारा ही सब कुछ है सिद्धार्थ, आप लोग कितना समझे हैं ये हमको जानना है। तो आप लोग वेवलेंथ, वेवलेंथ हाइट तरफ जाती है या इंटेंसिटी? हाँ
हाँ ये दोनों जो टर्म दे रहा है इन्हीं को डिफाइन करना है। इन दोनों टर्म का मतलब यही है, वेवलेंथ का हाइयर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना और लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी क्या हो, इंक्रीज होना। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ बाथोक्रोमिक एंड हाइपरक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक कब होगा, हाँ हाइपो का मतलब होता है लोअर, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नहीं, ये जो साथ में दे रखा है ना, ये दो का कॉम्बिनेशन है, इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का। आपने यही गलती कर दिया। अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस भी मैच कर रहा था, लोअर और हाइयर। ओके कोई बात नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिए नेक्स्ट टाइम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, टाइम इस पे आता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट वाज अ गिवन टास्क ऑफ आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ अ 5 बॉटल्स ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम विच द लेबल्स हैड फॉलन ऑफ। मतलब कोई एक पीएचडी स्कॉलर या एमफिल स्टूडेंट या एमएससी स्टूडेंट है, उसको 5 बॉटल दे दिए गए थे और उनमें से अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करना था, और उन बॉटल्स पे कोई नंबरिंग जो की गई थी वो गिर गया था। मतलब मान लीजिए आपके पास ये 5 बॉटल है और इन 5ों बॉटल पे जो लेबलिंग की गई थी वो हट गया है, और इनमें अलग अलग क्या है, अमीनो एसिड रखे गए हैं। ईच ऑफ द ओरिजिनल बॉटल कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आर्जिनिन है, यहाँ पे मान लीजिए आपका हिस्टिडीन है, यहाँ पे आपका सिस्टीन है, यहाँ पे आपका प्रोलीन है, और यहाँ पर आपका ट्रिप्टोफैन है, राइट। बॉटल 1, बॉटल 2, बॉटल 3, बॉटल 4, बॉटल 5। तो यही पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ द सिंपल एप्लीकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कुड बी बेस्ट रेडली एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई द ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को आप अगर पता करना चाहते हैं तो कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन या जेल स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई क्वेश्चन पूछा क्या है, और मतलब क्वेश्चंस की डिमांड क्या है और क्वेश्चंस का सीन क्या है। मतलब इतना बड़ा मतलब आपको फ्रेम किया गया कि ये है वो है फलाना ढिकान है, और पूछा खाली क्या है कि ट्रिप्टोफैन को कैसे आप पता कर पाएंगे। हाँ जी, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रिप्टोफैन को पता। आपको बताया जा चुका है कि जितने भी आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन सारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को पता करने के लिए आप क्या करते हैं, क्या करते हैं भैया, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यूज करते हैं। कोई बताना चाहेगा कि ऐसा क्यों, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज है वो 100 से लेकर के, हाँ जी, एरोमेटिक रिंग में आपके रिंग में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यूवी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से बैंड देते हैं, और उन बैंड को आप क्वांटिफाई करके बता पाते हैं कि इस प्रोटीन में कितना कंसंट्रेशन है इन सब चीज़ों का। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होगा वो सबसे इजीएस्ट वे होगा, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये ट्रिप्टोफैन है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन की डिमांड बहुत सिंपल थी लेकिन फ्रेमिंग बहुत लंबा चौड़ा कर दिया था। 5 बॉटल अमाइनो एसिड, स्टूडेंट भूल गया, गिर गया, फिर ये है तो फिर वो है ना। ये बहुत ईजी से क्वेश्चन था, कितने को सही हुआ है क्वेश्चन वैसे, बाय द वे सबका। हाँ अच्छा, मुझे एक काम करना चाहिए था ना, आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट आप लोगों को रिटर्न कर देनी चाहिए थी, और आज के यही के आंसर आप लोग बता देते कि कितना सही हो रहा कितना गलत। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, जो आपने सबमिट कर दिया वो मैंने सेव कर लिया, वो अगर आप दोबारा भेजेंगे तो पता नहीं उपचार चल जाएगा मुझे। हाँ आप देख रहे हैं कितना सही और कितना गलत।
चलिए, वैसे अभी मैं इसका आंसर शीट आप लोगों को भेज दूंगा तो आप लोग मैच करा लें, लेकिन मैं आपको आपका रिजल्ट भी बना के दूंगा और उस पर थोड़ा डिस्कस भी करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 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 कर सकते हैं, काहे नहीं। जल फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, मास पे करता है ये आपका मास, ये जल 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 अरे बोल लिया आप लोगों ने। देखिए इस वाले काम को आप, ये जेल फिल्ट्रेशन जो दे रखा है जिसे आप क्या बोलते हैं, साइज स्क्रूजन क्रोमेटोग्राफी, इस क्रोमेटोग्राफी से भी आप कर सकते हैं क्योंकि सबका मास अलग अलग रहेगा, मास साइज अलग अलग तो अलग अलग आएंगी। रेट्रोफोरेसिस के लिए आप जब यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 2% से ज़्यादा वाला SGS यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करते हैं कि बहुत कम मतलब वाले जो मॉलिकुलर वेट होते हैं उनका भी सेपरेशन हो पाता है। तो ये भी करके आप कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग आपके अमाइनो एसिड्स हैं, तो करना अगर मतलब कंडीशंस वाली बात आएगी क्या किया जा सकता है कि नहीं किया सकता, तो आप करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होती है, मतलब कुछ एक मॉलिकुलर वेट चाहिए होता है। इतने छोटे छोटे जो मॉलिकुलर वेट है ना, इनका इनके लिए पोर साइज बहुत छोटी करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ाना पड़ जाएगा, तो ये दिक्कत हो सकता है। बाकी एनालिटिकल सेंट्रीफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये एनालिटिकल में आपका आता है डेंसिटी ग्रेडियंट, वो किया जा सकता है क्योंकि अगर इनके अलग अलग डेंसिटी होंगे तो उसे आप कर पाएंगे, लेकिन इन सबसे उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी जितना आपका एग्जैक्टली इससे आएगा। बताया तो मैंने पहले ही, जल फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपको यहाँ पे दे का रखा है, ये काहे के लिए लिख रखा है, तो गलती आपकी है ना जी। हाँ ये सारे क्वेश्चंस भैया CSIR के ही। यही गलती सुधारने के लिए ही टेस्ट लिया जाता है प्रियंका। भाई आप हमको ये बताइए, सरकार आपको 40,000 रुपये महीना पैसा देगी, ऑल ओवर इंडिया में सीना चौड़ा करके आप घूमेंगे कि आपको नेट का सर्टिफिकेट वो भी CSIR का मिल गया, तो कुछ तो दिमाग खर्च करेंगे ना भैया, कुछ तो आपको अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही आपको बस मिल जाएगा कि हाँ नहीं हम CSIR ज्यादा क्वालिफाई है, करना पड़ता है थोड़ा मेहनत। और आप ध्यान देखिएगा, मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ कि क्वेश्चंस के कौन से वर्ड उस पूरे क्वेश्चंस की मीन को निकाल के लेके जाएंगे ये आप नहीं जान पाएंगे, तो आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को, हर एक वर्ड को पढ़ना होता है। जैसे अभी प्रियंका बोल रही है ना कि ये वर्ड मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो भैया ध्यान आपने नहीं दिया तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, और आप उसका खामियाजा भुगतेंगे जी। हाँ तो आपको क्वेश्चंस के टाइम पे किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको बहुत ही केयरफुली समझना है। और मैं आपको ये बोलता हूँ बार बार, 3 घंटे का जो टाइम CSIR पेपर में देता है पार्ट सी क्वेश्चन को करने के लिए, आप उसमें से 2 घंटे पार्ट सी में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली पढ़िए और उसको समझिए। मैक्सिमम टाइम पे बच्चे क्या करते हैं कि जो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, जबकि क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहा है, कह कुछ और रहा है।
इसीलिए ही प्रैक्टिस कराई जाती है। कोई बात नहीं है, नहीं हो पाएगा छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, और क्या दिक्कत है। अच्छा कितना बच गया अभी? कोई बात नहीं, 10-15 मिनट क्लास और लेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे आप लोगों को, फिर बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे और आंसर की भी दे देंगे आप लोगों को। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट यूज टू क्वांटिटेट द फॉलोइंग कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द एब्जॉर्बेंस। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या चीज़ नहीं कर पाएंगे एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो जरा देखिए यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड हैव एब्जॉर्बेंस पीक एट 260 नैनोमीटर पे, यस इसको क्वांटिफाई करने के लिए आप ये करते हैं, ये किया जा सकता है। एन ए डी एच हैव एब्जॉर्बेंस पीक 340, ये भी आप लोगों को नोट्स में बना करके दिया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम एट 280 नैनोमीटर, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कई बार ये मैच कराने के देता है 280 या 260। तो ये आपका किसके लिए है? प्रोटीन के लिए है, और ये किसके लिए है? न्यूक्लिक एसिड के लिए है। तो आरएनए मतलब डीएनए के क्वांटिफिकेशन करने के लिए, प्योरिटी को चेक करने के लिए 280-260 के रेशियो को किया जाता है, और प्योर फॉर्म में अगर आपको पीक लेना है तो 260 पे करते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन का लेना है तो 280 पे करते हैं। तो 260/280 ये रेशियो प्योरिटी चेक करने के लिए होती है, प्योर फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड को करने के लिए 260 पे करते हैं, एंड प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स का करने के लिए 280 पे करते हैं। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्हीं तीनों को देख करके ना ये कॉम्बिनेशन कभी कभी सवाल पूछता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है, ये इससे नहीं कह सकता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैव एब्जॉर्बेंस एट 270, ये गलत स्टेटमेंट है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप ऐसा कोई एनालिसिस नहीं कर पाएंगे जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई ना दे, डबल बॉन्ड या फिर हाँ जी है ना। तो ये दोनों से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इज प्योरिफाइंग अ प्रोटीन ऑफ 60 किलो डाल्टन P60 एंड 40 किलो डाल्टन P40 पॉलीपेप्टाइड थ्रू अ सेफाडेक्स G100 कॉलम, व्हाट विल बी द फेट ऑफ दीज टू पेप्टाइड्स व्हेन दीज पासेस थ्रू द कॉलम, बताइए। ई अच्छा, P40 विल रन फास्टर, P60 विल रन फास्टर, ऑलवेज 50% मिक्सचर ऑफ P50 विल कम आउट द ट्रेन, P50 विल रन। ओके तो P40 विल रन फास्टर, ये कितने लोगों ने किया? ऑप्शन नंबर ए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा और आप लोगों ने देखा भी कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। जो प्रोटीन्स हैवियर साइज की होती हैं उनका आपका जो एलिमिनेशन होता है वो पहले हो जाता है, राइट। तो मान लीजिए अगर आपका ये बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। मतलब साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी,
ये एक्चुअली नेम है, G100 G1000 जो नेम आते हैं ना ये हैं। और देखिए जब भी कभी ना इस तरीके का सवाल अगर आया आपको, तो वैसे तो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमेशा फॉलो करिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जो बड़े वाले साइज के प्रोटीन्स होते हैं ना, देखिए इस क्वेश्चंस को पता है पूछने का मेन टारगेट क्या है, वो सिर्फ यही जानना चाहता है कि क्या आपको कॉलम मैट्रिक्स का या फिर आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो ये प्रिंसिपल है साइज एक्सक्लूजन का, ये आपको पता है कि नहीं, यही बस जानना चाहता है वो। इस क्वेश्चन से ये जान लेगा कि अगर आपको कॉलम मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको मालूम है कि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनका एलिमिनेशन पहले होता है और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उनका एलिमिनेशन बाद में होता है। तो अगर आपने सही, मैंने आपको देखिए बताया कि ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी के रिगार्डिंग में जब भी कभी सवाल आता है उस क्वेश्चंस को पूछने का मेन पर्पज वही रहता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। यहाँ पे जो 60 किलो डाल्टन और 40 किलो डाल्टन दिया हुआ है, ये वाले प्रोटीन में से आपको ये समझना है कि 60 किलो डाल्टन की साइज बड़ी है, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में से हमेशा जो बड़ी साइज के प्रोटीन्स होती हैं वो बाहर आती हैं जो कि पोर साइज में नहीं जा पाती। वो अप्रोच को लगा करके अगर आप करेंगे तो आपका ये आंसर सही रहेगा। यहाँ पे अगर आप ये स्पेसिफाई अच्छा, तो आपने आपने फर्स्ट लगा दिया। नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना था। अच्छा हाँ, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने और भी मतलब वो दिया था कि अगर साइज के विदिन में होंगे और दोनों पार्टिकल अगर हैवी और लाइटर हैं तो उस केसेस में अलग हो जाता है, मतलब बाहर वाले। हाँ ये बात है, कभी कभी कहते हैं ना कि ज्यादा जानकारी भी खतरनाक हो जाती है वंदना के लिए, वही हुआ ये जान वही वही कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी ज्यादा डेप्थ नॉलेज जो है वंदना का ही क्वेश्चन लेके चला गया, नहीं तो ये वंदना भी क्वेश्चन सही करके आती है। क्यों वंदना चलिए कोई नहीं कोई नहीं, होता रहता है और उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए अभी मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक दो क्वेश्चन और करा लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलर वेट रिक्वायर्स अ डीनेचुरेंट सच एज फॉर्मल्डिहाइड टू बी प्रेजेंट इन द जल सिस्टम बिकॉज, बताइए। फॉर्मल्डिहाइड एज अ डीनेचुरेंट यूज किया जाता है, आप लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं, पहले भी देखा है आप लोगों ने। तो डीनेचुरेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर होगी तो उसके स्ट्रक्चर्स को वो डिस्टेबलाइज कर देगा, राइट। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपका कोई टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो वो खराब कर देगा, कोई डीएनए है तो उसके डबल डबल हेलिक्स में है तो उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेंट बोलते हैं। तो ये आरएनए के सेपरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए ये फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाता है। तो इसको क्या पर्पज है इसको यूज करने का, वही आपसे पूछ रहा है।
फरवरी अच्छा ऑप्शन बी सही है इसका। अरण्य सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और वो जब मतलब सेपरेशन किया जाता है, टाइम अगर दिया जाएगा तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि ठीक नहीं है उनके लिए। उनका सेपरेशन आपको उनके नेटिव फॉर्म में करना होता है, दैट इज वाई आप फॉर्मल डिहाइड यूज कर लेते हैं। फॉर्मल डिहाइड से हाँ हाँ पहला वाला ऑप्शन साहब पढ़िए क्या लिख रखा है, आरएनए आर सेंसिटिव टू न्यूक्लियेजेस। पढ़िए 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 ठीक से। इसीलिए बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा क्वेश्चन है ना जल्दबाजी में करते हैं, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस करते करते आएगी। दैट इज वाई मैंने टेस्ट स्टार्ट किया। पहले मेरे दिमाग में प्लानिंग थी कि मैं टेस्ट आप लोगों का लास्ट में मई में कराऊंगा, फिर मुझे लगा कि अगर मैं सारा का सारा लास्ट में टेस्ट कराऊंगा तो आप लोगों की इधर की पढ़ाई खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं जब क्लास में पूछता हूँ तो रिस्पॉन्स मुझे वैसा नहीं मिलता जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। दैट इज वाई मैंने टेस्ट का प्रोविजन स्टार्ट कर दिया। मुझे पता था कि टेस्ट अगर नहीं देंगे आप लोग सब पढ़ा पढ़ाया खराब हो जाएगा, और वो देख के भी लग रहा है। और ये चीज जो ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही जाएगी। ऑप्शंस को आप लोग सही तरीके से पढ़ा करिए कि ऑप्शंस आप हाँ डिस्कस करिए डिस्कस करिए क्या निकल कर आ रहा है, हम भी सुने। क्या क्या लगा हुआ है क्या करूं, जब मैं देख रहा हूँ सब लोग बोले जा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मैं सुन लेता हूँ पहले हाँ जी डिस्कस करिए बताइए, ये क्लास उसी लिए है। वंदना को जस्टिफाई कीजिए, क्या नाम है सिद्धार्थ। वंदना कहाँ पे आपको गलत, वंदना आपको कंफ्यूजन कहाँ पे है ये बताइए, क्या कहना चाह रही हैं आप, क्यों परेशान हैं। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे आपको सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप जब आरएनए को सेपरेट आउट कर रही हैं तो वो आरएनए मॉलिक्यूल्स को नेटिव फॉर्म में लाने के लिए आप फॉर्मल्डिहाइड का यूज करती हैं, डीनेचुरेंट का, ऐसा क्यों करती हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या काम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मल आरएनए सेंसिटिव है वो अलग मैटर है, फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का काम ये होता है कि ये डीनेचुरेंट है जो उनके आपस में पेयरिंग हो रही होगी, सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड का आपस में पेयरिंग करके डबल बनाएंगे, इसको ये डिस्टेबलाइज करने का काम करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा। फॉर्मल्डिहाइड का रोल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि क्या करेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, ये तो आपको इसका फंक्शन बताना कि ये कर क्या रहा है। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आपके आरएनए होते हैं वो आपस में ऐसे पेयरिंग करके डबल ना बना ले, हेयर पिन स्ट्रक्चर ना बना पाए, दैट इज वाई ये फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं ताकि ये इनके बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर्ड कर दे। ये सवाल आपसे पूछा गया, तो आप पता नहीं इतना कंफ्यूज कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 का सही है।
आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है। आप सब लोगों का माइंड सेचुरेट धीरे धीरे हो रहा है, तो अब 11:30 बजने वाले तो मैं छोड़ दूंगा। अब मिक्सर कंटेनिंग टू प्रोटीन्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंस इन ओलिगोमेरिक प्रॉपर्टीज कैन बी सेपरेटेड बाय, बताइए। दो प्रोटीन्स हैं और जिनका कि मास, अच्छा पहले पहले इस जो सवाल है ना, इसको थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म देते हैं, फिर आप लोगों का आंसर क्लियर हो जाएगा। दो यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, मान लीजिए प्रोटीन एक ये है और एक प्रोटीन आपका ये है, तो इन दोनों को नाम दे देते हैं, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी, और इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। यहाँ पे दे रखा है अ मिक्सचर कंटेनिंग टू प्रोटीन्स हैविंग सिमिलर मॉलिकुलर मास। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 50 डाल्टन इसका है, तो 50 डाल्टन इसका भी है, मास दोनों का सेम है, बट ओलिगोमेरिक प्रॉपर्टीज कैन बी सेपरेटेड, राइट। इनका जो ओलिगोमेरिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, अलग अलग हो सकता है, मास इनका सेम है, हो सकता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक में आपका एक पेप्टाइड आपके 30 की हो और एक में आपका 20 को, 30 20 का कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पे आपका 25 और 25 का कॉम्बिनेशन हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो मास आएगा 50 50 डाल्टन आएगा। आपको पूछ रहा है कि इनको सेपरेट करने के लिए क्या आप यूज करेंगे, बट डिफरेंट ओलिगोमर प्रॉपर्टीज कैन बी सेपरेटेड बाई, तो कौन से टेक्निक से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। चलिए आइसोलेटिव फोकसिंग आपका सही आंसर हो गया। बाकी और भी कुछ है इसमें से, एसडीएस पेज एनालिसिस कर सकते हैं या नेटिव पेज एनालिसिस कर सकते हैं। नेटिव का जरूरत ये होता है कि जब प्रोटीन के उसके नेचुरल कंडीशन में ही सेपरेट करना हो, नेचुरल कन्फर्मेशन। नेटिव कन्फर्मेशंस में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो दोनों प्रोटीन्स अलग अलग आएंगे, दैट इज़ वाई ये करना आसानी रहेगा आपके लिए। तो आप आइसोलेटिव फोकसिंग भी कर सकती हैं, नेटिव भी कर सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बी एंड सी। आइसोलेटिव फोकसिंग एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन आप इससे भी ये चीज़ डिस्टिंग्विश कर सकती हैं क्योंकि ये इनके नेटिव कन्फर्मेशन को बताता है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो उनको सिमिलर अलग अलग आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी दोनों कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस में आएगा ना अबकी बार, इस वाले टेस्ट में सबसे हाईएस्ट जिसके नेगेटिव मार्क आएंगे उसको एक चॉकलेट मेरी तरफ से फ्री, वो भी किटकैट का। हाईएस्ट जिसके नेगेटिव मार्किंग आएंगे उस कैंडिडेट को एक किटकैट का चॉकलेट मेरी तरफ से फ्री में दिया जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद सेशन ऑफ कर देंगे कि 11:30 बज गया है। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सदन ब्लॉटिंग। सदन ब्लॉटिंग क्यों करते हैं, करने का क्या इसका पेज मेन जो लॉजिक है वो क्या होता है और किस सीक्वेंस में करते हैं, ये आपको पता अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले बताइए कि सदन ब्लॉटिंग किस लिए करते हैं, प्रोटीन आरएनए डीएनए। पक्का? अच्छा, वो नॉर्दर्न किसके लिए करते हैं और वेस्टर्न। चलिए तो आपके आईसीआर के एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, तो एक एग्जाम एक सवाल तो आपका आईसीआर का ऐसे ही बन जाएगा, वहां पे यही सवाल आता है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग करने के लिए, आरएनए मॉलिक्यूल एनालिसिस करने के लिए कौन सा ब्लॉट करेंगे, प्रोटीन के लिए कौन सा करेंगे या ये करेंगे। तो ये क्लियर याद रखिएगा, इसका तरीका आपको बताया था नॉर्दर्न फॉर आरएनए, बताया था नॉर का आर आता है, इससे आप कंपेयर कर लीजिएगा। बाकी सबसे पहला जो था डीएनए के लिए दिया गया था सदर्न ब्लॉटिंग, लास्ट में दिया गया वेस्टर्न, दैट इज फॉर प्रोटीन के लिए।
सदर्न ब्लॉटिंग में आप क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए को क्या किया जाता है, आइसोलेट करते हैं, फिर इसके बाद रिस्ट्रक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, फिर इसके बाद अल्कलाइन ट्रीटमेंट देते हैं, फिर इसके बाद वॉशिंग करते हैं, फिर इसके बाद प्रोब डालते हैं, फिर इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर इसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, यही करते हैं ना। हाँ जी, तो क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाई इलेक्ट्रोफोरोसिस फॉलोड बाई ट्रांसफर टू अ मेम्ब्रेन एंड देन हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रोब डीएनए। वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू अ मेम्ब्रेन गलत है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इलेक्ट्रोफोरोसिस फॉलोड बाई हाइब्रिडाइजेशन एंड लेबल्ड द डीएनए प्रोब, नहीं ये गलत है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये समझ लीजिए कि टेक्निक्स आपको इतने सही तरीके में पढ़ाया गया है सीक्वेंस में कि अगर आप सही से उसको पढ़ करके जाएंगे ना तो आपका कोई टेक्निक से सवाल अब गलत होना नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि जहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं सदर्न के लिए क्या सही है, नॉर्दर्न के लिए क्या सही है, RFLP के लिए क्या सही है, ये सब क्वेश्चन आपके गलत हो ही नहीं सकते हैं अब। हाँ, 2 नंबर का इतना इसी क्वेश्चन 4 नंबर क्यों मिलेगा आपको? अच्छा, RFLP के लिए बताइए क्या स्टेटमेंट सही है। RFLP इज अ टेक्निक दैट। चलिए फिर तो फटाफट सारा क्वेश्चन हो ही जा रहा है। अच्छा, द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन द जीनोमिक एंड सीडीएनए लाइब्रेरी। कॉन्सियसनेस डिफरेंस नहीं है। द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन द क्लोन, तो दोनों में हो सकता है। द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ प्रोमोटर्स इन क्लोन जीन, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन द वेक्टर। नॉट अ डिफरेंस पूछा है, याद रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, पूछना इनको सिमिलरिटी था लेकिन इतना बड़ा वर्ड लगा दिया है ना। और इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ाया था टॉपिक को तो बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस बताया। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जिस क्वेश्चंस पे स्टूडेंट बहुत 100% श्योर होते हैं कि उनका सही है, वही क्वेश्चंस का आंसर उनका गलत हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही क्वेश्चंस पढ़ने के टाइम पे उनके पढ़े हुए वर्ड दिखने लगते हैं ना, उस पूरे क्वेश्चंस को वो पढ़ जाते ही नहीं है, फिर डायरेक्टली ऑप्शंस पे आ जाते हैं। यार ये तो मेरा पढ़ा, बिल्कुल क्वेश्चंस को आप सही से पढ़ते नहीं है और उस पे ध्यान देते नहीं है, तुरंत का तुरंत लगे मतलब इतना अंदर से एक्साइटमेंट हो जाता है कि अरे अब तो CSIR है, मेरा सवाल बनने वाला है। मैं अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन सब हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, और कल से क्लास आपके कंटिन्यू करेंगे मेटाबॉलिक का, बायो केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग कुछ उसमें पढ़ करके आइए। कल कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे, और बाकी इसका आपको रिजल्ट और बाकी मार्क्स रैंक जो होंगे सबके मिल जाएंगे कल। कल आप लोग पब्लिश कर देंगे, और बाकी जो इसके वो होंगे ऑप्शंस मैंने लगा, मैंने ये सीट आपको मैं भेज दूंगा जिसमें आपका आंसर सही रहेगा की रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी इसका जो ये वाली सीट तो मैं अभी भेज दूंगा, ये वाली सीट और आज का ये वीडियो मैं अभी भेज दूंगा, बाकी रिजल्ट मैं कल कल दूंगा। उस दिन का वीडियो के लिए प्रॉब्लम ये हो गई, जिस दिन आप लोग मतलब 12 बजे जो हम लोग जुड़े थे ना दोपहर में, दोपहर नहीं सॉरी शाम को, उस दिन का वीडियो वीडियो का ये हुआ, रिकॉर्डिंग तो हुआ है लेकिन वो वीडियो मतलब डाउनलोड करने के टाइम पे इनकरप्ट हो गए, मतलब डाउनलोड हुआ ही नहीं वो। रिकॉर्डिंग 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 करने के बाद डाउनलोड